हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनेटीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पाई किसी मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो टी आपण मानकर ओएसएसटीटी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स, एथरे मु नेके से प्रीवियस ईयर 2019 रो किसी सिलेक्टेड पेडागोजी क्वेश्चन जहाँ कि एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपण माने चाहिले आउट ऑफ 20 केत मार्क रखुंत कमेंट सेक्शन रे निहाती भावे जनाई पारे। तो प्रथम क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप स्कूल करिकुलम एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आमर जो स्कूल करिकुलम रही स्कूल जो पाठ्यक्रम रही से किए डेवलप करुच्ची से पचार संगठन NITT NCTE NIOS ना NCERT। तो ये करेक्ट आंसर होची स्कूल करिकुलम बा स्कूल पाठ्यक्रम को डेवलप करुची NCERT। एग्जाम रे NCERT रो फुल फॉर्म पचारि पारे, तो फुल फॉर्म होची नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन हैज टू नो इंग्लिश लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो कौन कह जड़े गोटे इंग्लिश भाषा को जाने बा सीखे से इंटरनेशनल वाणिज्यपाई कौपाई वाणिज्य करने जो इंग्लिश भाषा को सीखुचे तो कौन तार गोटे कौन पाई से पचार बिकज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ना ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ना बिकज ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू सिविलाइजेशन। तो देखूँ आमर जो इंटरनेशनल ट्रेड बा अंतराष्ट्रीय वाणिज्यपाई इंग्लिश भाषा को जड़े जाने कारण हूँ सेटा हूँ बिकज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आमर जो इंग्लिश भाषाटा विश्वस्तरीय भाषा तो पूरा ऑल वर्ल्ड रे पूरा मैक्सिमम इंग्लिश भाषा कहले बुझीपारे से आमर बिकज ऑफ ग्लोबलाइजेशन विश्वस्तरीय वैश्वीकरण आम यो इंग्लिश भाषा को आम जाणी था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही न्यूज पेपर इज ए फॉर्म ऑफ न्यूज पेपरटा कौ फॉर्म से पचार ऑडियो मीडिया विजुअल मीडिया ओरल मीडिया ना प्रिंट मीडिया। तो यहाँ करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी प्रिंट मीडिया। न्यूज पेपरटा गोटे प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द NCERT हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो NCERT हेडक्वार्टर कौटी अवस्थित से पचार तो कर्णाटक न्यू दिल्ली मुंबई जयपुर। तो ये करेक्ट आंसर होची न्यू दिल्ली। NCERT रो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ठारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF वाज लॉन्च्ड बाय। तो आमर जो नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सेटा को किए लॉन्च करछि से पचार छि कहा द्वारा लॉन्च करा जाय छि DGET SSCS ना AICT ना NCVT। तो यहाँ को किए लॉन्च कर लॉन्च कर AICT एंड ता सहित HRD आमर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रही जो HRD मिनिस्ट्री आउ AICT द्वारा लॉन्च करा जाय छी। ऑप्शन एडी AICT अछि। तो ये करेक्ट आंसर होछि AICT। तो AICT रो फुल फॉर्म मध्ये एग्जाम रे आसी पारे। तो AICT रो फुल फॉर्म होछि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। आमर जो प्रोजेक्ट मेथड रही से किए डेवलप कर क्वेश्चन OTT मध्य OTT आसी। तो यहाँ एकदम इजी क्वेश्चन। तो आपण इजी क्वेश्चन एग्जाम देखा मिलूँ। तो देखते ये आप सक्रेटिस अच्छी स्किनर अच्छी किलपैट्रिक अच्छी डीओ अच्छी। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी विलियम किलपैट्रिक विलियम एच किलपैट्रिक जी कि आमर प्रोजेक्ट स्ट्राटेजी मेथड को देखते। तो ये द प्रोजेक्ट स्ट्राटेजी ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय विलियम एच किलपैट्रिक ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज DTHTV स्टैंड्स फॉर। तो DTHTV रो फुल फॉर्म कौन से पचार एकदम इजी क्वेश्चन। चारिटा ऑप्शन रही डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डेबिट टू होम टेलीविजन डिटैचेड टू होम टेलीविजन ना डायरेक्शन टू होम ट्रेनिंग वीडियो। तो ये करेक्ट आंसर हो डायरेक्ट टू होम टेलीविजन DTHTV रो फुल फॉर्म हूँ डायरेक्ट टू होम टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही NCERT रो फुल फॉर्म कौन।
तो देखो एस एस सी आर टी फुल फॉर्म कौन से पचारी व्हाट डज एस सी आर टी स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ एकदम इजी क्वेश्चन समस्ते जानते तो ये देखते आपर रही स्टेट कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड टेस्ट स्टेट काउंसिल ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च एंड ट्रेड स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेट कमिटी ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू एंड ट्रांजिट। तो ये करेक्ट आंसर हो फ्रम ऑप्शन नंबर सी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952-53 इज ऑल्सो कॉल्ड। तो 1952-53 मसीह सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आसी तो तार अन्य नाम कौन ताको ना जना जाए बा फेमस अच्छी। तो रही नेशनल नॉलेज कमीशन मोदीलाल कमीशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन कोठारी कमीशन। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मुदलियार कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एजेंसी टेक्स केयर ऑफ राइटिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। जो स्कूल स्टूडेंट अच्छा स्कूल पे छात्र मैंने जो टेक्स्ट बुक रही से गुड़ा किए राइटिंग करुच्ची तार से जो पुस्तक किए राइटिंग करुच्ची क्या द्वारा लिखा जाए यूजीसी एनसीटी सीबीएसई एनसीईआरटी। ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही से सब जो पिला स्कूल बुक को लेखालेखी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज ए बेसिक फीचर ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कौन कौन ना जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आम रही से किए थे ना आम डॉक्टर जाकिर हुसैन चेयरमैन थे से समय वर्धा स्कीम रो बेसिक फीचर कौन थी एक्सटर्नल एग्जाम वेयर कंडक्टेड एवरी मंथ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश इनक्लूजन ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन इनक्लूजन ऑफ टेक्स्ट बुक बेस्ड एजुकेशन। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी इनक्लूजन ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन इनक्लूजन ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ आमर जो रही वर्धा स्कीम जो गांधीजी देखते से जो वोकेशनल कोर्स रही वोकेशनल कोर्स रही अंडर आम इनक्लूजन ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन आसा जो गांधीजी देते वर्धा स्कीम से रही। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस वेयर पास्ड एट वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937। तो देखो कौन कह 1937 वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होता से कौ रिजोल्यूशन को पास करा जाइथिला कौ रिजोल्यूशन को पास करा जाइथिला इनक्रीज फंड्स टू ऑल रूरल स्कूल्स माने समस्त जो ग्रामीण इलाका थिबा स्कूल को फंड बांटिबा पाई ना डेवलप ओनली सोशल स्किल्स हमर सोशल स्किल को केवल विकास करिया पाई ना इंग्लिश मीडियम इन सिलेक्टेड स्कूल गुड़ा इंग्लिश मीडियम पढ़ाइबा ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये जो 1937 मसीह जो वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है जो रिजोल्यूशन पास होता से कौन थी ना से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी तार रिजोल्यूशन थी ए कौन ना 7 ईयर पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखा जाता ता सहित मदर टंग मातृभाषा से मेन रार मीडियम रदर टंग मातृभाषा मीडियम रही सी मेनसन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देश। तो ये आम जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन आउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर इन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देश। तो यहाँ आम चार ऑप्शन रही विलेज एजुकेशन कमिटी स्कूल कंस्ट्रक्शन कमिटी विलेज कंस्ट्रक्शन कमिटी ना स्कूल एजुकेशन कमिटी। तो ये करेक्ट आंसर होची वीईसी विलेज एजुकेशन कमिटी थी से कौन रोचे ना विलेज एजुकेशन कमिटी आमर जो विलेज लेवल रो जो स्कूल रही से जो कॉलेज रो विकास से जो विलेज लेवल रो स्कूल रही तार विकास विकास देखती तार मेंटेनेंस करती आउ से जो आमर जो विलेज एजुकेशन कमिटी रो मुख्य लक्ष्य अच्छी जे से जो रूरल एरिया अच्छा ग्रामीण इलाकें बापा माँ जो पेरेन्ट्स मैंने अच्छा से झीओ मान खास करके पाठ पढ़ापी पठा नहीं तो से कौन करती से मोबिलाइजेशन कर एनकरेज कर पिला छाड़ापी आउ जो मैंने जो पिला डिसएडवांटेज अच्छा से स्कूल को छाड़ापी से
ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ୱେନ୍ ଟିଚିଂ ଏ ଟପିକ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍, ଏ ଟିଚର୍ ଆଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏଜ୍ ଟୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଦ ଭର୍ବାଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ୱିଥ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ, ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଟପିକ୍। ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ବ୍ରୁନର୍, ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଟିଚର୍। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ନା, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, ଜଣେ ଟିଚର୍ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ସେ ଉଭୟ ଭର୍ବାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ବାଚିକ ମାନେ କିଛି କହିବା, କହିକି ସୂଚନା ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖେଇକି, ଯେକୌଣସି ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖେଇକି ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବ୍ରୁନର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମୋଡ଼୍ ରହିଛି, ସେ କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ଜଣେ ଟିଚର୍ ଦେଖେଇବ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଜେରମ୍ ବ୍ରୁନର୍ ରହିଛନ୍ତି, ଜେରମ୍ ବ୍ରୁନର୍, ତ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ଖାଲି ଟିକିଏ ଜାଣିବା କଥା, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜେରମ୍ ବ୍ରୁନର୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନାକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସିମ୍ବୋଲିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ରହିଛି, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଇକନିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆଇକନିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଇକନିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କୁଡ୍ ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ଡ ବାଇ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରବ୍ ହିଜ୍ ଆଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେସ୍ ଲେସ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼। ତ କ'ଣ କହିଛି ନା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ଆଖିକୁ ସବୁବେଳେ ରବ୍ କରେ, ମାନେ ଆଖିକି ମନ୍ଥେ, ଆଉ ସେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ସେତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାକୁ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବା, ତାର ଅଡ଼ିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ନା ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ନା ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ନା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇ କହିଛି, ତାର ଆଖିକୁ ରବ୍ ସବୁବେଳେ ରବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ତ ସେଇଟା ତାର ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ଆଇ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଠି ଜାଣିବେ ସେ ତାର ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତାର ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ରୋନିମ୍ ଅଫ୍ NIOS। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, NIOSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି, ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିବା ଯେ NIOSର ଏକ୍ରୋନିମ୍ କ'ଣ, ବା ଷ୍ଟେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଇପାରେ। ତ NIOSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଏଇଠି ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ। NIOSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଏନ୍ ଅପରେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଏ। ତ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢ଼ିକି, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଛି ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ କହିଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡେଡ଼୍, ଏ ଯେଉଁ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରିକୁ କିଏ ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ସ୍କିନର୍ ରହିଛି, ପାବ୍ଲୋଭ ରହିଛି, ଥର୍ଷ୍ଟନ୍ ରହିଛି, ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ରହିଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ, ବି ଏଫ୍ ସ୍କିନର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ UGC ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍। ତ UGCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି, UGCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଭର୍ନାନ୍ସ କମିଶନ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, UGCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍। କେବେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା, 1925, 1921, 1923। ତ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା 1919ରେ, 1919 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିସ୍ ରୁମି ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ରିଲାଇଜ୍ ଦାଟ୍ ରିଚା ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଫ୍ଟର ମିଟିଂ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିଚା ୱାଜ୍ ପ୍ରୋବେବ୍ଲି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି କଲ୍ଡ ଏଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିଛି ନା, ସେ ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ
तार राइटिंग प्रॉब्लम अच्छी, राइटिंग प्रॉब्लम अच्छी मैंने आपण मैंने जानवे सेटा कौन ऑलरेडी मुझे डिस्कशन करी ओएसटीटी रे आउ आपण मान कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर ओटीटी रे मुझे डिस्कशन करी। तो ये डिसलेक्सिया अच्छी, डिस्कालकुलिया अच्छी, डिस्पेस पेप्सिया अच्छी, डिस्ग्राफिया अच्छी। तो ये मुझे रखुचे यहाँ जदि कौन राइटिंग प्रॉब्लम रही, जदि कौन राइटिंग प्रॉब्लम अच्छी कह जाए डिस्ग्राफिया। राइटिंग रे जदि कौन प्रॉब्लम रहे ताकू डिस्ग्राफिया कहा जाए, आउ डिसलेक्सिया रीडिंग रे कौन प्रॉब्लम रहे ताकू डिसलेक्सिया कहा जाए, आउ डिस्कालकुलिया क्या कहा जाए, आमर जो कैलकुलेशन रे प्रॉब्लम रहुछि, जो अरिथमेटिकल प्रॉब्लम रहुछि ताकू कहा जाए डिस्कालकुलिया। डिस्कालकुलिया क्या कहा जाए ना अरिथमेटिकल प्रॉब्लम रहुछि, गणिबारे किछि भूल करुछि पिला, 2 × 3 माने 6 बदल से 2 + 3 करि 5 कर दउछि। तो एइबिले किछि गणित रे जो गणना करबे भूल रहुछि सेटाकू अरिथमेटिकल प्रॉब्लम रे जाउछि, तो सेटा होची डिस्कालकुलिया। तो पुणि थरे कहि रखुची डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्कालकुलिया अरिथमेटिकल प्रॉब्लम, आउ डिस्ग्राफिया होची आप मानकर राइटिंग प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन रही राइटिंग प्रॉब्लम थी तो सीटा कौन कौन डिस्ग्राफिया कहा जाए। तो ये आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बॉर्ट 1973 ए चाइल्ड हुईज अनेबल टू कॉप अप विथ द वर्क नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ हिज स्कूल मेट्स ऑफ हिज एज इज कॉल्ड। तो कौन कहना आमर जो 1973 मसीह बॉर्ट को अनुजाई, बॉर्ट को अनुजाई जड़े पिला तार जो जड़े पिला तार जो स्कूल साथी बायस जो बयस ग्रुप रो पाने से मैं जो काम साधारण करूँ से पाटा से करार असमर्थ रोचे। तो सहीटा को कौन कहें सेटा को से कौन कही बट कौन कही स्टूपिड ना स्लो और बैकवर्ड ना स्लो स्टडी ना डम। तो देखो आमर जो 1973 यहाँ बट दे एक्चुअली BURL हो पाए। तो बट जहाँ यहाँ मुझे देखी थी तो ये बट अनुजाई 1973 जो कौन कही आमर जो गोटे सेम स्कूल ग्रुप रिला सेम एज्र पा मान तो जो जिनसा नर्माली करूँ किंतु किसी पिला अच्छा से मैंने सेटा कर असमर्थ बा असक्षम हूँ से कौन कही से कौन कही स्लो लर्नर कही स्लो लर्नर कही आउ बैकवर्ड ए दुटा टर्म से कही स्लो लर्नर एंड बैकवर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज 20 क्वेश्चन। तो आपने आउट ऑफ 20 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहत भाव जनइबे। जदि भिडियो भल लगता है तेल निहत गोटे लाइक करेंगे और अधिकारू अधिका मात्रा कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड जय हिंद जय जगन्नाथ।